दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला चिकित्सालय के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित शाही ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए मनोचिकित्सक अमित शाही ने कहा कि कोरोना महामारी के पूर्व एवं बाद में देश में मानसिक बीमारियों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। मानसिक रोग न हो इसके लिए पहले से ही सुनियोजित रोकथाम करने में लोगोथेरेपी एवं संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा विधियों का प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जानकारी ही बचाव है। यदि मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं, लक्षणों एवं उपचार के बारे में सही जानकारी मिले तो उससे सभी को लाभ पहुंचेगा। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शीला सिंह, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, डॉक्टर शोएब हसन, डॉक्टर वेंकट रमन पांडे, डॉक्टर अंकिता सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, बाहर से गणमान्य अतिथि हमारे बीच, मतलब सिर्फ मंच से ही लोग नहीं बोलेंगे, आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, इंटरेक्शन करना, लोगों से बातचीत करनी। सॉल्यूशन बॉक्स है, इसमें जो है उसमें कुछ लिखना है, जो भी समस्या आपको आती होगी अपनी पढ़ाई से संबंधित, महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी वजह से आपका सब कुछ मतलब डिस्टर्ब है, खराब है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप उस पर लिख देंगे। लिखने के बाद उसे सॉल्यूशन बॉक्स में डालेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि पहचाना जाए आपकी भी समस्या हो तो नाम नहीं लिखना है। पर्चियां एक साइज की है, एक ही कलर का पेज है, समस्या लिख देंगे तो बॉक्स में डाल देंगे, पता नहीं चलेगा किसकी समस्या थी और कौन सी समस्या थी। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें आपकी एनोनिमिटी रहेगी, एनोनिमस रहेगा, वो नाम नहीं रहेगा आपका, इसलिए लिखना सबको है। और कोई एक प्रॉब्लम लिखना है, अपने किसी मित्र की प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अपने किसी घर के सदस्य की, अपने आमंत्र सदस्य की बात के बारे में आप उसको लिख सकते हैं और वो उस पर्ची में डाल देंगे। अभी हमारा जो मंच पे हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसको देखेंगे उस पर्ची को, और उससे पढ़ने के बाद उस समस्याएं का उसमें से निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। हम लोग अभी ये तुरंत करने वाले हैं, तो आप लोग तुरंत जो उसको लिख के उसमें डाल दीजिए। मैं आपको मंच से पर्ची करा दे रहा हूँ कि कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं जो सबसे करीब मेरे बैठे हैं डॉक्टर वेंकट रमन पांडे जी हैं। डॉक्टर वेंकट रमन पांडे इस समय वर्तमान में, तो आपके जो बड़े भाई बहन होंगे या जो सीनियर्स होंगे उन लोगों ने वेंकट रमन जी से शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। आश्रम बिराज में एक कॉलेज है देवरिया में हम लोग का, उस कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देखिए, इस पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे विद्यार्थियों में आए दिन समाचार में आता है कि अमेरिका के किसी स्कूल में एक विद्यार्थी ने अपने 10-12 विद्यार्थियों को गोलियों से भून डाला। ये हिंसा की प्रवृत्ति बाल मनोविज्ञान में कैसे विकसित हो रही है, क्या इसके उद्दीपक हैं, और किसान की आत्महत्या हुआ या बड़े जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं परिणाम के भय से, कभी कभी वो करते, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई आईपीएस अधिकारी है वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसके पास पावर भी है, प्रेस्टीज भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, इसके बाद भी वो दबाव में है, तनाव में है, और उस तनाव को वो झेल नहीं पा रहा है, लिहाजा वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। तो हमारे मन में निराशा, कुंठा, हताशा और जो हमें आत्महत्या तक पहुंचा दे, ये मनोविकार क्यों आ रहे हैं, उन कारणों की मीमांसा और उसका उपचार क्या हो सकता है मनोवैज्ञानिक स्तर पे, दो दिनों के कार्यक्रम में इस पर विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी इन तमाम मसलों पर पोस्टर बनाए हैं, उन पोस्टर की प्रदर्शनी लगी है और विशेषज्ञों द्वारा उसका मूल्यांकन करके उस पर नंबरिंग भी की जा रही है, जो उसमें श्रेष्ठ विद्यार्थी होंगे उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आज कांके रांची के मनोचिकित्सक जो कि भारत का जाना माना मनोचिकित्सा का केंद्र है, वहाँ से विशेषज्ञ आए हैं। अभी जिला चिकित्सालय गोरखपुर
में जो मनोचिकित्सा विभाग के जो विशेषज्ञ वो आए हैं, विनोबा भावे महाविद्यालय से एक मनोविज्ञान की प्राध्यापिका वो हमारे बीच आई है, और तकनीकी सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों से प्रश्नों के माध्यम से अभी आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, और वो अपनी जिज्ञासा विशेषज्ञों के समक्ष रख रहे हैं, विशेषज्ञ उनका जो है माकूल जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक जागरूकता विद्यार्थियों में, समाज में, परिवार में कैसे विकसित हो, ताकि हम मनोविकार की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनसे हम बच सकें, इन दो दिनों के आयोजन का, सेमिनार के आयोजन का यही उद्देश्य है।